लॉकडाउन में कोटा में फंसे कोसी क्षेत्र के 1610 बच्चों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज सहरसा जंक्शन पहुंची। आने वाले बच्चों में सहरसा के 511, सुपौल के 572 एवं मधेपुरा जिले के 527 छात्र छात्रा शामिल हैं। सहरसा जंक्शन पहुंचने के बाद बारी बारी से छात्रों को उतारा गया और सभी छात्र छात्रा को थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सुपौल और मधेपुरा के बच्चों को उनके गृह मुख्यालय भेजा गया, जबकि सहरसा जिले के बच्चों को 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने का शपथ पत्र भराते उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया। कोटा से आए बच्चों ने बताया कि लॉकडाउन में वहां उन्हें खाने पीने की परेशानी होने लगी थी, बीमारी का भी भय होने लगा था। बच्चों ने स्पेशल ट्रेन से घर भेजने के लिए सरकार का आभार जताया। अभी आने में तुम लोगों को टिकट भी लगा है? रास्ते में कोई दिक्कत? क्या नाम है? नाम क्या था? इसको मदद कर दो। जिला प्रशासन तरफ से क्या मुकम्मल व्यवस्था की गई? जिला प्रशासन तरफ से क्या मुकम्मल व्यवस्था की गई? सारी मुकाबला देख रहे हैं हम लोग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, सभी लोगों का ये खाने का पैकेट दिया जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि सामान ज़्यादा है बच्चों का, इसलिए अच्छा सुविधा ना हो इसलिए हम लोग अपने स्तर से ट्रॉली का इंतजाम भी किया है। अभी बच्चे स्टेडियम जाएंगे और ट्रक में इनका बैग सामान लोड करके स्टेडियम में हम लोग भेजेंगे, वहाँ पे लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन क्वारंटाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, हैंड ओवर करेंगे।